हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज़ गुरमीत सिंह। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ 3D। तो 3D में लाइन को कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास तीन चार फॉर्म्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जनरल फॉर्म ऑफ ए लाइन, सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन, टू पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन, एंड देन वी विल फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज जनरल फॉर्म? जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होती है? तो देखिए, जनरल फॉर्म ऑफ ए लाइन, अगर हमें 3D में लाइन को डिफाइन करना हो इन टर्म्स ऑफ प्लेन, तो वी कैन से दैट स्ट्रेट लाइन इज नथिंग बट इंटरसेक्शन बिटवीन टू प्लेन्स। दो प्लेन्स अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या बनती है? स्ट्रेट लाइन। उसी को हम जनरल फॉर्म बोलते हैं। तो मान लीजिए एक प्लेन मेरे पास है A1X B1Y प्लस C1Z प्लस D1 = 0। एक तो ये प्लेन है, और दूसरा प्लेन है मेरे पास A2X प्लस B2Y प्लस C2Z प्लस D2 = 0, एंड दिस इज कॉल्ड जनरल फॉर्म। अगर हमारे पास दो प्लेन दिए हुए हैं, तो ऑब्वियसली अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो किस पे इंटरसेक्ट करेंगे? स्ट्रेट लाइन पे। तो दैट इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ ए प्लेन। तो ऑब्वियसली ये पैरेलल नहीं होने चाहिए, जे अगर पैरेलल हो गए तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम कंडीशन लिखना चाहें तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा, जा A1 ओवर A2, B1 ओवर B2, C1 ओवर C2, D1 ओवर D2। ठीक, ऐसा है, मतलब मेरे पास ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। मतलब या तो ये इसकी इक्वल ना हो, या तो ये इसकी इक्वल ना हो, या तो ये इसको इक्वल ना हो। आइधर या तो ये दोनों इक्वल ना हो, या ये दोनों इक्वल ना हो, या सभी इक्वल, मतलब इक्वल ना हो। अगर कोई मान लो ये इक्वालिटी होल्ड कर जाती है, तो ऑब्वियसली प्लेन्स पैरेलल हो जाएंगे, तो फिर तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। तो जनरल फॉर्म के लिए ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ओके, दिस शुड नॉट हैपन। तो दो प्लेन्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, अगर दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो एक लाइन फॉर्म होगी, दैट इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन। ओके, जैसे कि डायग्रामेटिकली अगर हम देखना चाहें, तो मान लो एक तो प्लेन ये रहा मेरे पास, ठीक, दूसरा प्लेन ये रहा, तो कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं भाई? दिस लाइन पे। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन। अब दूसरी फॉर्म है मेरे पास सिमेट्रिकल फॉर्म। सिमेट्रिकल फॉर्म के लिए दूसरा है सिमेट्रिकल फॉर्म। इसमें क्या है, एक तो पॉइंट दिया होगा आपके पास जिसमें से लाइन आपकी पास कर रही है, और दूसरा उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमें मालूम होने चाहिए। ओके, तो हम एक लाइन को फॉर्म कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल फॉर्म। मान लीजिए मेरे पास में एक लाइन है जो किसमें से पास कर रही है भाई, X1 Y1 Z1, इस पॉइंट में से पास कर रही है, और इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो है ABC। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइन के जो प्रोपोर्शनल वैल्यूज होती हैं, दोज आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन कोसाइन फिर आपको मालूम होना चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? दिस इज X एक्सिस Y एक्सिस Z एक्सिस। ये कोई लाइन है, मान लो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस के साथ बीटा बना रही है, जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रही है, तो इन सभी का कोसाइन ले लो, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। तो जो वैल्यूज डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल हो उनको हम डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। ये डायरेक्शन कोसाइन होने कोई जरूरी नहीं है, दीज आर डायरेक्शन रेशियोज। ओके, अगर डायरेक्शन रेशियोज दिए हो तो डायरेक्शन को साइन निकाल सकते हो, वो आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला लोअर क्लासेस में। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वन पॉइंट फॉर्म में, X-X1 over A, Y-Y1 over B, Z-Z1 over C, एंड दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। और यू कैन से दिस इज एक पॉइंट दिया हुआ है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वन पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसको वन पॉइंट फॉर्म भी बोलते हैं, या तो सिमेट्रिकल फॉर्म भी बोलते हैं। ओके,
अब क्वेश्चन पैदा ये होता है कि क्या हम जनरल फॉर्म को सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? आंसर इज यस। अगर हमारे पास दो प्लेन दिए हुए हों, ऑब्वियसली इंटरसेक्टिंग प्लेन, वो प्लेन पैरेलल नहीं होने चाहिए और एक दूसरे को कवर नहीं करने चाहिए चाहिए, ठीक। तो हम क्या करते हैं, अगर दो प्लेन दिए हुए हों तो उसमें से हम सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब जिसमें ये, मतलब एक प्लेन तो ये रहा आपके पास, से यहीं से देखो आप, ए वन एक्स बी वन वाई सी वन जेड इक्वल प्लस डी वन इक्वल टू जीरो, एक प्लेन तो ये रहा यहाँ पे, और दूसरा प्लेन ये रहा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू। अगर हमें ये लाइन निकालनी हो किसमें भाई, सिमेट्रिकल फॉर्म में, तो देयर इज़ ए वे, एक मेथड है मेरे पास। मेथड क्या है, क्या करो, एक पॉइंट ले लो, कोई ऐसा पॉइंट जो इस लाइन पे हो। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इनमें से किसी एक को एक्स वाई या तो जेड को, किस दोनों में जीरो पुट करना होगा, किसी में भी। आप ऐसा करो, इसमें से मान लो जेड आपका जीरो है, ठीक है, इसमें भी क्या करो जेड मान लो जीरो। अब मेरे पास अगर जेड जीरो हो गया तो ये इक्वेशन यहां से ये बच जाएगी, बी वन वाई प्लस सी वन जेड, ये तो जीरो ही हो गया, प्लस डी वन इक्वल टू जीरो, एक इक्वेशन इससे यहां बचेगी। अगर इसमें मैंने जेड जीरो किया तो ए टू एक्स बी टू वाई सी टू जेड, फिर ये तो जीरो ही है, प्लस डी टू इक्वल टू जीरो, एक इक्वेशन यहाँ पे बचेगी। इन दोनों इक्वेशंस को सॉर्ट आउट कर लो आप, सॉल्व करने के बाद एक्स की और वाई की वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी और वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, ठीक। यहाँ से एक पॉइंट निकल जाएगा हमारे पास जो ये वाला होगा, एक्स हम निकालेंगे, आई डोंट नो फिलहाल कितना होगा क्योंकि ये आर्टिकल है, फिर वाई निकालेंगे और जेड तो हमारा जीरो ही है, जो पॉइंट आ गया, और वैसे ही हम इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेंगे। तो जनरल फॉर्म को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिमेट्रिकल फॉर्म में। ऐसे समझना थोड़ा मुश्किल हो गया, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं थोड़ा साफ कर रहा हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन है रिड्यूस दिस 2x प्लस 3y 5z इज इक्वल टू 10। दूसरी लाइन, दूसरा प्लेन है x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 3। रिड्यूस दिस इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन टू सिमेट्रिकल फॉर्म। हमें इस लाइन को सिमेट्रिकल फॉर्म में रिड्यूस करना है। एक्चुअली दिस इज अ प्लेन, दिस इज अ प्लेन, इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स इज अ लाइन एंड वी आर टू फाइंड दैट लाइन बट इन सिमेट्रिकल फॉर्म या फिर वन पॉइंट फॉर्म। कैसे निकालते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया, एक तो ये प्लेन रहा आपका मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, और दूसरा प्लेन ये रहा, ठीक। पहला प्लेन 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 10, दूसरा प्लेन x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 3। अब हमें इस प्लेन पे एक पॉइंट लेना है, दोनों प्लेन्स में कॉमन पॉइंट लेना है, यहाँ पे कहीं पे, ये समझ लो ये पॉइंट। इसके लिए हमें यहाँ पे z को जीरो मान लो आप, इसमें भी z को क्या मान लो जीरो, तो एक्स वाई हम निकाल सकते हैं। अगर हम जेड को जीरो माने तो एक्स हमारा, ये इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, ये वाली पहली वाली 2x 3y इक्वल टू 10, ये बची एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉर्ट आउट कर लो, आपके पास एक एक्स एंड वाई की वैल्यू निकल जाएगी। उसके लिए आपको मेथड एलिमिनेशन लगा सकते हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2x 2y, इसको 2 से करोगे तो 6 आ गया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे आया आपका वाई, तो इसको सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास बचा 4, तो एक्स हमारे पास, वाई हमारे पास 4 आ गया।
इसमें डाल दो y की वैल्यू 4, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 3, यहाँ से हम x निकाल सकते हैं -1, तो मेरे पास ये पॉइंट निकल आया भाई, x कितना आया -1, y कितना आया हमारे पास 4, और z कितना आया भाई 0। तो दिस इज़ द वन पॉइंट इन विच द लाइन पास थ्रू, ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया जिसमें मेरी लाइन पास कर रही है। अब मुझे क्या करना होगा, ये जो लाइन है इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं। हाँ ऑब्वियसली अगर मेरे पास एक पॉइंट तो आ गया, सिमेट्रिकल फॉर्म वही तो होती है, एक पॉइंट हो मेरे पास और उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो हो तो लाइन की इक्वेशन मैं निकाल सकता हूँ। पॉइंट आ गया, अब इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं। अब ध्यान से देखिए, जो मान लीजिए इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी हैं, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं ए बी सी, और इस प्लेन का जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं भाई, वो दिख रहा है मेरे पास 2, 3, 5, और दूसरा वैसे ही यहाँ पे इसका जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियोज 1, 1, 2 है। अब ध्यान से देखो, ये जो लाइन है ये दोनों प्लेन्स में होगी, कॉमन लाइन होगी, प्लेन फर्स्ट में भी होगी, प्लेन सेकंड में भी होगी। अगर ये फर्स्ट प्लेन में होगी ये वाली लाइन, तो जो जो इसका अगर मैं यहाँ पे इसको शिफ्ट कर लूँ, तो ये जो आपका नॉर्मल है इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हमारे पास ये मान लो नॉर्मल भी तो लाइन ही है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम क्या होना चाहिए 0। ना द लाइन, ये वाली लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस, लाइज इन द प्लेन, नाउ दिस लाइन लाइज इन प्लेन वन। अगर ये पहले प्लेन में लाई करे तो कंडीशन क्या होगी, इसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी, तो डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम क्या होना चाहिए 0, यानी कि 2a + 3b + 5c यहाँ से क्या आएगा 0। सिमिलरली नाउ द लाइन लाइज इन प्लेन टू, सेकेंड प्लेन में लाई कर रही है भाई, ये प्लेन आपका 1 था, ये प्लेन 2 था। अगर सेकेंड प्लेन में, तो वहाँ से कंडीशन आ जाएगी, यहाँ से भाई ए आया आपका, यहाँ से 1a, 1b और 2c = 0। अब ए सी ए बी सी की वैल्यू आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो निकाल लो ए ओवर पहले तो ये है 6 - 5, फिर बी के लिए यहाँ से बैक 5 - 4, फिर सी के लिए तो 2 - 3, तो ये आया आपका a ओवर 1, b ओवर अगेन 1, c ओवर -1। तो दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। अब लाइन के डायरेक्शन रेशियो भी आ गए और पॉइंट भी आ गया जिसमें से लाइन क्या कर रही थी, पास कर रही थी। तो ये लाइन के पॉइंट तो ये रहा, और डायरेक्शन रेशियो मैंने अभी भी निकाले 1, 1 - 1। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगी भाई, सो देयरफॉर इक्वेशन सिमेट्रिकल फॉर्म में से मुझे मालूम ही है, इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगी, x - x1 - 1 ओवर a, a हमारे पास क्या था वो 1 था, फिर y - 4 वो भी क्या था 1, b भी मेरे पास 1 है, तो z - 0 है और ये क्या है -1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। ओके, तो अब हमने देखा कि जनरल फॉर्म को हम सिमेट्रिकल फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो सिमेट्रिकल फॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड वन पॉइंट फॉर्म। अब वन पॉइंट फॉर्म का एक सेपरेट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत बार आता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, आपके पास एक पॉइंट दिया होगा जिसमें से लाइन पास कर रही है, एंड वो लाइन इक्वली इंक्लाइंड है टू द एक्सिस, सभी एक्सिस पे सेम एंगल बना रही है। तो मेरे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, एक पॉइंट दिया हुआ है, पासिंग थ्रू 1, 2, 3 एंड मेकिंग इक्वल एंगल्स विथ द एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ जो एंगल है इसका सेम है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ भी वही एंगल है, वाई एक्सिस के साथ भी वही है और जेड एक्सिस के साथ भी वही है। तो पॉइंट तो मेरे पास ये रहा आपका,
तो इक्वेशन क्या होती है लाइन की भाई, x माइनस एक्स वन ओवर फिर y माइनस वाई वन ओवर, यहाँ पे a होता है यहाँ पे b होता है, फिर z माइनस जेड वन यानी कि थ्री ओवर c। अब क्या है मेरे पास a b c नहीं है, अब इसने कंडीशन दी हुई है द लाइन मेक्स इक्वल एंगल विद द एक्सिस, ऑल एक्सिस x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रही है। तो मान लो x एक्सिस के साथ कितना एंगल है इसका अल्फा, y एक्सिस के साथ भी कितना है अल्फा, z एक्सिस के साथ भी कितना एंगल है अल्फा है। तो लेट द लाइन मेक एंगल अल्फा अल्फा एंड अल्फा विद द एक्स एक्सिस x y एंड z एक्सिस, तो तीनों का एंगल अल्फा है, तो सो देयर फॉर डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे भाई इसके, डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लो आप, तो कॉस अल्फा फिर कॉस अल्फा, तीसरा भी क्या हुआ कॉस अल्फा, डायरेक्शन कोसाइंस आ गई। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं कॉस अल्फा से तो मेरे पास क्या आया भाई, तो डायरेक्शन रेशियो क्या आ गए इसके 1 1 1, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज। और या तो आप वो अगर आपको एंगल ही निकालना हो अल्फा तो वो भी निकाल सकते हैं, वो कैसे निकालेंगे हमारे पास एक कंडीशन होती है डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम 1 होता है, वहां से एंगल अगर निकालना चाहो तो एंगल भी निकल जाएगा, मतलब अगर निकालना चाहो तो मान लो कॉस स्क्वायर अल्फा पर अगला एंगल भी तो कॉस स्क्वायर अल्फा, उसके नेक्स्ट वाला भी कॉस स्क्वायर अल्फा, सभी का सम क्या है 1 है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज 1 और यहाँ से मेरे पास आया कॉस स्क्वायर अल्फा इज 1/3, सो यू कैन से कॉस अल्फा इज 1/√3। तो अगर मैं यहाँ पे डालूँ 1/√3 से मल्टीप्लाई करूँ तो यही आएगा, तो यहाँ से भी लिख सकते हो डायरेक्टली। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन मेरे पास क्या हुआ x माइनस एक्स वन, ये आपका आ गया भाई a, ये रहा b, ये रहा c, यहाँ पे डाल दो तो क्या x माइनस वन, ए क्या आया 1, बी भी क्या आया 1, सी भी क्या आया 1, तो यहाँ से इक्वेशन आ गई 1, वाई माइनस टू, ये 2 था सॉरी 1 और जेड माइनस 3 ओवर 1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1, 2, 3 एंड मेकिंग सेम एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब नेक्स्ट मेरे पास है 2-पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ से आप देखिए 2-पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, तो ये वाला कर रहे हैं, ये दोनों हो चुके हैं ठीक। तो 2-पॉइंट फॉर्म के लिए अब ध्यान से देखिए, 1-पॉइंट फॉर्म के लिए मेरे पास होता है एक तो पॉइंट जिसमें से लाइन पास कर रही हो और दूसरा डायरेक्शन रेशो होने चाहिए, डायरेक्शन रेशो लाइन के मेरे पास गिवन होने चाहिए, तो मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूं। अब यहां पे देखिए तो तीसरा कॉन्सेप्ट है 2-पॉइंट फॉर्म, 2-पॉइंट फॉर्म, 2-पॉइंट फॉर्म के लिए यहां से देखो, यहां पे मेरे पास पॉइंट ए है मान लीजिए, दिस इज एक्स वन वाई वन जेड वन, तो देर इज ए पॉइंट बी जिसमें से लाइन पास कर रही है एक्स टू वाई टू एंड जेड टू, इस ए बी लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी है, तो 1-पॉइंट फॉर्म तो मुझे आती है, तो क्या होती है भाई एक्स माइनस एक्स वन ओवर ए, वाई माइनस वाई वन ओवर बी, जेड माइनस जेड वन ओवर सी, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। बट ए बी सी क्या होता है डायरेक्शन रेशो लाइन के, इस लाइन के डायरेक्शन रेशो ए बी सी, बट यहां पे लाइन के अगर मैं डायरेक्शन रेशो निकालना चाहूं बाई यूजिंग दीज टू पॉइंट तो क्या आने चाहिए भाई, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन। जैसे कि आप पोजीशन वेक्टर निकालते हो, पोजीशन वेक्टर में जो आई जे के कंपोनेंट्स होते हैं वही डायरेक्शन रेशियो होते हैं लाइन के, तो डायरेक्शन रेशियो अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू डाल दूँ तो ये रहा ए, यानी कि ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है, ये तो सेम ही है ठीक है, तो एक्स माइनस एक्स वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन, यहाँ पे वाई माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, फिर जेड माइनस जेड वन, जेड टू माइनस जेड वन, दिस इज अ 2-पॉइंट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। एग्जाम्पल इसका सिंपल है लेकिन एग्जाम में आता है ठीक, तो एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑब्वियसली इन 3D पासिंग थ्रू 2 पॉइंट दिए हुए 1, 3, 5, 2, 1, 9, ये 2 पॉइंट्स में से पास करने वाली मुझे लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो दिख रहा है दिस इज एक्स वन वाई वन जेड वन, दिस इज एक्स टू वाई टू जेड टू, तो डाल दो फॉर्मूला हमारे पास ये रहा
ठीक, तो x माइनस एक्स वन, दिस इज एक्स वन, पहले नॉमिनेटर लिखते हैं, y माइनस वाई वन, फिर z माइनस जेड वन, दिस इज फाइव, फिर नीचे x2 टू माइनस एक्स वन, टू माइनस वन, फिर y2 टू माइनस वाई वन, वन माइनस थ्री, सॉरी z माइनस जेड वन, नाइन माइनस फाइव, सिंप्लीफाई कर दो तो x माइनस वन, दिस इज थ्री, y माइनस थ्री ओवर माइनस टू, जेड माइनस फाइव ओवर फोर, तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो ये टू पॉइंट फॉर्म, अगर हमारे पास दो पॉइंट गिवन है तो लाइन की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। एंड यहाँ पे आज के लिए मेरे पास फाइनल कॉन्सेप्ट है एंगल बिटवीन टू लाइन्स। अब सॉरी, अब दो लाइन्स में एंगल कैसे निकालते हैं? हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइन्स। एक तो लाइन भाई मेरे पास ये रही, मान लो ये किस में से पास कर रही है, x1, y1, z1 में से, और इक्वेशन ही लिख लो x माइनस एक्स वन ओवर ए वन, वाई माइनस वाई वन ओवर बी वन, जेड माइनस जेड वन ओवर सी वन, इसमें से पास कर रही है, इसके डायरेक्शन रेशियोज ए वन बी वन एंड सी वन है। और दूसरी लाइन है वो किसी और पॉइंट किसी बी में से पास कर रही है x2, y2, z2, और उसके डायरेक्शन रेशियो है a2, b2, c2। अब मुझे क्या करना है, दोनों में एंगल निकालना है। पहली के डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं, दूसरी के डायरेक्शन रेशियोज दिए, तो बस एंगल निकाल लो। कैसे निकालते हैं भाई, देयर इज ए फॉर्मूला। वैसे भी मान लो एक वेक्टर है, पहली लाइन है इसके पैरेलल है, एक दूसरी लाइन इसके पैरेलल है, तो हम क्या करते हैं, इन पैरेलल वेक्टर्स में एंगल निकाल लो, तो वही एंगल लाइंस में होगा। अगर आपको ध्यान से देखा जाए तो ए वन बी वन सी वन ये क्या होता है भाई, ये आई जे के कंपोनेंट होते हैं वेक्टर के, ठीक है, जिसके ये वाली लाइन पहली वाली लाइन पैरेलल है। और ए टू बी टू सी टू ये क्या हैं, दीज आर, ये क्या हैं, आई जे के कंपोनेंट्स हैं, किसके भाई, वो वाले वैक्टर के जिसके सेकेंड वाली लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों वेक्टर्स में एंगल निकाल लेता हूँ। तो वेक्टर्स में एंगल हमें मालूम ही है कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट यूज़ करके, तो ये आई जे के कंपोनेंट्स हैं, तो निकाल लो। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्टली बन गया, तो ए वन बी वन, ए टू बी टू, ए थ्री बी थ्री अपॉन, वहीं से पहले के डायरेक्शन रेशियोज थे, हाँ जी, ए वन, नहीं थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, पहले ए ऐसा कर लो ना, ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू, अब ए वन का स्क्वायर, बी वन का स्क्वायर, सी वन का स्क्वायर, अब फिर ए टू का स्क्वायर, बी टू का स्क्वायर, सी टू का स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस। इसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो। तो एक बात ध्यान में रखना कि अगर हमें एंगल निकालना आता है दो लाइंस में, सिमेट्रिकल फॉर्म में दो लाइंस गिवन है और हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है, तो पहले उनको स्टैंडर्ड यानी कि सिमेट्रिकल फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है, वैसे ही स्ट्रेट लाइन गिवन होती है, ठीक, तो उसको पहले सिमेट्रिकल फॉर्म में रिड्यूस करो फिर एंगल निकालो, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। जैसे कि मेरे पास है फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स। मेरे पास मान लीजिए दो लाइन्स गिवन है, 2x माइनस वन ओवर फाइव, थ्री माइनस वाई ओवर टू, जेड, और दूसरी लाइन है थ्री माइनस टू एक्स ओवर फाइव, टू वाई प्लस सेवन ओवर थ्री, और जेड माइनस वन ओवर टू। ये दो लाइंस गिवन है, इन दोनों लाइंस में मुझे एंगल फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि हमारे जनरली दिमाग में होता है कि जो नीचे वाले हैं यानी कि डिनोमिनेटर्स हैं वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, इसमें भी डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, तो नहीं भाई, पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सिमेट्रिकल फॉर्म में। सिमेट्रिकल फॉर्म आपको मालूम ही है क्या होती है, एक्स ऐसे ही एक्स माइनस एक्स वन ओवर ए। मतलब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक्स का कॉफिशियंट वन होना चाहिए, वाई का कॉफिशियंट भी वन होना चाहिए, जेड का कॉफिशियंट भी वन होना चाहिए। तो उस फॉर्म में पहले रिड्यूस करो फिर एंगल निकालेंगे, तो डायरेक्टली निकालोगे तो गलत हो जाएगा। तो पहले तो पहली लाइन, इस लाइन को मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, इसको टू से डिवाइड कर लो आप, एक्स माइनस वन बाई टू, यहाँ पे फाइव बाई टू आ जाएगा। अब यहाँ से आएगा इसको माइनस
हाँ माइनस वन से डिवाइड कर लो, वाई माइनस थ्री ओवर माइनस टू हो जाएगा, तो ये जेड माइनस ज़ीरो ओवर वन, तो ये बन गई आपकी पहली लाइन। अगर मैं दूसरी लाइन निकालना चाहूँ, इसको भी आप टू से डिवाइड कर लो, माइनस टू से, तो एक्स माइनस थ्री बाई टू, यहाँ पर आएगा आपके पास माइनस के फाइव बाई थ्री, सॉरी। अब यहाँ पे देखो आप टू से डिवाइड कर लो, फिर वाई माइनस, इसमें माइनस एडजस्ट कर लो, बाई थ्री बाई टू, तो ये तो है ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें अब देखो पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज़ अब यहाँ से निकालो, ये रहे, दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज़ ये रहे, अब एंगल निकल जाएगा। या तो आप इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो फर्दर, जैसे कि फर्स्ट लाइन में मैं एंगल, अगर ये देखो आप पहली लाइन इसको थोड़ा और सिंपली, अगर फ्रैक्शंस आपको पसंद नहीं है तो आपको इसको, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन, फर्स्ट मान लो इसको, हाँ इसको मान लो आप सेकंड, फर्स्ट के डायरेक्शन रेशियोज क्या है भाई, फाइव बाई टू, माइनस टू और वन। इसको फ्रैक्शन अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं इसको टू से, इन सभी का एलसीएम टू आ रहा है तो टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये फाइव माइनस फोर, तो ये टू हो गया। एंड उसके तरह ही आप निकालो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन यहाँ से दिख रहा है आपके पास ये है माइनस के फाइव बाई थ्री है, ये थ्री बाई टू है, तो ये टू है। इनका एलसीएम सिक्स आ रहा है तो सिक्स से मल्टीप्लाई कर दो आप, अगर सिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास माइनस का टेन आ जाएगा, इसको सिक्स से मल्टीप्लाई करो तो ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा सिक्स नाइन हो जाएगा, इसको सिक्स से मल्टीप्लाई करो तो ट्वेल्व आ गया, ठीक। तो ये आपके पास आए दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, बस करना कुछ नहीं है, एंगल निकालना है, फार्मूला ये रहा, डाल दो इसमें वैल्यू, तो कॉस थीटा मेरे पास क्या है भाई, ए वन ए टू फाइव इंटू माइनस टेन प्लस माइनस फोर इंटू नाइन प्लस टू इंटू ट्वेल्व, नीचे यहाँ पे फाइव का स्क्वायर माइनस के फोर का स्क्वायर, यहाँ पे टू का स्क्वायर, सारे का अंडर रूट, फिर यहाँ से टेन माइनस के टेन का स्क्वायर, माइनस नाम ही लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो वैसे ही लिख रहा हूँ, ठीक। इसको आप सिंपलीफाई कर दो तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। तो डायरेक्टली नहीं करना, वो मिस्टेक नहीं करना, ठीक। अब लास्टली मेरे पास अगर एक छोटी सी क्रॉलरी है, अगर आपके पास थीटा 90 डिग्री हो जाए, मतलब अगर ये दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं, फिर क्या होगा भाई, तो फिर कॉस 90 हमें मालूम है, कॉस 90 डिग्री क्या होता है, कॉस थीटा, यहाँ से अगर थीटा 90 हो जाए तो ज़ीरो हो जाएगा, कॉस 90 इज़ ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ये ज़ीरो कब होगा भाई, अगर ये नॉमिनेटर क्या हो जाए, ज़ीरो। तो यहाँ से मेरे पास एक बनता है ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू इक्वल टू ज़ीरो, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। ये क्या है, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, परपेंडिकुलरिटी, अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर हो तो दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। अब लास्ट क्वेश्चन है, वो एग्जाम में आता है, अगर दो लाइन्स हमें दी हुई हैं और दो लाइंस दी हुई हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो किसी लैम्डा या म्यू की वैल्यू निकालने के लिए बोलता है वो, तो कैसे देखते हैं। हाँ जी, अब मेरे पास क्या है, दो लाइंस दी हुई हैं, उसमें मुझे एक आर्बिट्री नंबर, आर्बिट्री कांस्टेंट कुछ भी बोल लो, उसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। इफ द लाइन्स, दो लाइन्स दी हुई हैं, एक्स माइनस थ्री ओवर टू, टू वाई प्लस वन ओवर फाइव लैम्डा, यहाँ पे फाइव लैम्डा है, फिर टू जेड प्लस थ्री ओवर वन, एंड दूसरी लाइन है मेरे पास एक्स ओवर वन, वाई ओवर टू, जेड ओवर थ्री, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी हो सकता है। एंड फाइंड If these two lines are perpendicular, then find lambda. Lambda की वैल्यू हमें find out करनी है। अब देखिए ये तो symmetrical form में है ही, इसकी कुछ खास कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो है ही, अगर adjust करना चाहो तो कर लो, x माइनस जीरो ओवर वन, वाई माइनस जीरो ओवर टू, जेड माइनस जीरो ओवर थ्री।
तो किस पॉइंट में से पास कर रही है दिख रहा है, ये ओरिजिन में से कर रही है, उससे मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, मुझे तो डायरेक्शन रेशियो चाहिए इस लाइन के, क्या आ रही है 1 2 3 आ रही है भाई। अब प्रॉब्लम ये लाइन की है, इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अब इस लाइन को ये वाला, इसको 1 मान लो आप, तो 1 कैन बी रिटन एज, इसके डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखेंगे तो x माइनस 3 ओवर 2 सॉरी अगर यहां से लिखे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, y प्लस यहां पे लिख लो, अगर माइनस एडजस्ट करना है तो कर लो और जरूरत नहीं है वैसे, 1/2 ओवर 5/2 लैम्डा। एंड फाइनली यहां से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो z माइनस माइनस के 3/2 यहां से आपके पास आया 1/2। तो इसके डायरेक्शन रेशियो भाई क्या आए, 2 5/2 लैम्डा, यहां से 1/2। फिर वही बात, इसको आप इसके फ्रैक्शंस अगर पसंद नहीं है आपको तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 4 हो गया, ये 5 लैम्डा हो गया, तो ये आपका 1 हो गया। तो ये पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो, ये दूसरी लाइन के, दोनों लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो सिंस लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2 तो क्या होगा भाई, सो दिस इम्प्लाइज डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 1 × 4, फिर भाई दूसरा 2 × 5 लैम्डा, तीसरा 3 × 1 दैट शुड बी 0। यहां से आपका 4 आ गया, यहां पे आपके पास आया 10 लैम्डा, यहां पे 3 = 0, यहां से 10 लैम्डा प्लस 12 = 0, तो आप लैम्डा निकाल सकते हो बड़ा इजीली, माइनस के 12/10 तो 6/5 माइनस का, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द लैम्डा। सो ये सिंपल कॉन्सेप्ट थे किसमें, स्ट्रेट लाइन में। तो आज हमने पढ़ा स्ट्रेट लाइन क्या होती है, तो उसको जनरली हम डिफाइन करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक। फिर हमने क्या किया, दो लाइंस, दो फॉर्म्स की फर्दर लाइंस की, एक तो सिमेट्रिकल फॉर्म, फिर उसको हमने टू पॉइंट फॉर्म, फिर एंड लास्टली एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो कल हम निकालेंगे स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन के कुछ कॉन्सेप्ट। सो थैंक यू वेरी मच।